जम्मू कश्मीर में बीते मंगलवार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना हो रही थी। चुनाव के नतीजों के बीच सेना का सर्च अभियान भी जारी था। उसी दौरान दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के शांगस और कोकरनाग में आतंकियों ने जंगल में गश्त कर रहे टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित दो जवानों को अगवा कर लिया। इनमें से एक जवान किसी तरह जख्मी हालत में आतंकियों के चंगुल से बच पाने में सफल रहा, वहीं दूसरे जवान को आतंकियों द्वारा बंधक बनाकर रखे जाने की सूचना थी, जिसके बाद उसे छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा एक तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सेना ने बंधक जवान का शव बरामद किया, जिस पर गोलियों के घाव के कई निशान मौजूद हैं। हम कजन भी थे, मतलब नेबर्स भी थे, सब कुछ, खास करके हमसाये, हम ये हमारे नीचे वाले मकान में रहते हैं, हम आगे यहाँ पे कजन था, कजन भी था। अच्छा अच्छा अच्छा, कजन थे। तो किस प्रकार के ये जो इंसान थे? बहुत ही अच्छा है। इसके घर में दो बच्चे हैं, बीवी है और दादा भी है, नानी भी है, सब कुछ है घर में। मतलब वो भी कैंसर पेशेंट है, वो भी सब बीमार है। इसको 10 ही दिन हो गए कि यहाँ पे आए हुए। 10 दिन के बाद यहाँ से ड्यूटी, ये काम करता था पिछले दिन ही काम करता था, यहाँ से इसको फ़ोन किया गया कि वापस आ जाओ। ये निकला था यहाँ से 9 बजे, सुबह 9 बजे मेरे साथ सुबह ही मुलाकात किया इसने। अच्छा, सुबह उठाई के पता नहीं कहाँ से इसको उठाया गया है, 9 बजे से निकला। तो फिर आपको कब पता चली कि इसकी डेड बॉडी जो है सुबह रिसीव हुई है? सुबह लगभग 10 बजे हमें पता चली। अच्छा, तो पूरे इलाके के लिए दुखद की, बहुत ही ज़्यादा दुखद की खबर है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, तो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था ये अपना? हाँ, और किसके लिए जाता था, इसके बाहर, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रोटी, यहाँ पे नौकरी भी मिलती नहीं है। कम से कम यही भर्ती इसने की थी 2019 में, जहाँ पे 19 से लेकर आज तक कोई नहीं इसमें मतलब जॉब के लिए गया था। अगर ये गया भी तो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए था। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी? गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम इनको, इसका इंसाफ चाहिए, इसके घर वालों के साथ इंसाफ किया चाहिए। सुनने में आया इसका जो फादर है वो भी कैंसर पेशेंट है। हाँ, दादा है इसका। अच्छा, कैंसर दादा इसका कैंसर पेशेंट है। तो पूरे इलाके के लिए दुखद की, बहुत ही ज़्यादा दुखद की खबर है।